नागपुर में ट्रैफिक न्यूसेंस बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका है, और दूसरी ओर एक जो खबर है कि रॉन्ग साइड चलने वाले जो लोग हैं उन पे FIR होगी और उनको जो है वो कोर्ट से जाके अपनी जमानत लेना पड़ेगा। इस न्यूज़ पे भी बहुत सारे मतभेद है, कुछ इसमें समझ आ रहा है और कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम आ चुके हैं हमारे DCP ट्रैफिक जो शशिकांत सताव सर है उनसे मिलने के लिए नागपुर के, और उनसे डायरेक्ट हम पूछेंगे कि ये जो रूल आया है वो रूल क्या है, एक्चुअल में क्या रूल है, कैसे कार्रवाई होगी, और अधिक जानकारी इस रूल के बारे में हम पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं शशिकांत सताव सर से और डायरेक्ट उनसे पूछते हैं कि ये रूल का मामला क्या है। नागपुर शहर में जो कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग लोग करते हैं, ये काबू में करने के लिए और जो फेटल एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान हम करते हैं उसमें बढ़ोतरी की है। और जो रॉन्ग साइड व्हीकल चलाते हैं, रॉन्ग साइड व्हीकल चलाने से वो जो चलाने वाला है राइडर उसे भी तकलीफ होती है, उसकी जान भी जोखिम में रहती है। और जो सामने वाला जो रेगुलरली अच्छी तरह से ट्रैफिक का वायलेशन न करते हुए व्हीकल चलाता है उसकी जान भी जोखिम में आ सकती है यदि एक्सीडेंट होता है तो। इसलिए रॉन्ग साइड जो व्हीकल चलाते हैं उनके ऊपर हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई करते हैं, और जो IPC के तहत 279.336 जो सेक्शन है उसके तहत भी हम कार्रवाई करते हैं, और वो हम चार्जशीट कोर्ट में भेज देते हैं कार्रवाई की। यस, उसके ऊपर भी हमने कंट्रोल किया है, 2-3 वीडियोस सर्कुलेट हुए थे। वो जो छोटे बच्चे थे उनको हमने बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के उनका हमने समुपदेशन किया है, उनके पेरेंट्स के ऊपर भी हमने कार्रवाई की है, क्योंकि MV एक्ट में वो दर्ज है कि यदि वो छोटा बच्चा है और वो व्हीकल चलाता है उसके पास लाइसेंस तो होता ही नहीं है, तो उसका जो चालान है उसके पेरेंट्स के ऊपर जाता है, वो भी हमने कार्रवाई की है। उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स को बुला के उनके एरिया में जाके भी हमने ये जन जागृति की है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके हाथ में आप व्हीकल ना दें, क्योंकि छोटे बच्चे के पास लाइसेंस नहीं रहता है, ट्रेनिंग नहीं होती है उनकी, और वो एक्सीडेंट ज़्यादा संख्या में हो सकती है, इसलिए उसके ऊपर भी हमने समुपदेशन किया है।